हरि हंतिका मानो नहुन परसन करू। कैसे विमल परिणाम होते अशुभ नसी शुभ बंधते, विधि अशुभ नसी शुभ बंधते हम सर्व सब विदिताशते। पावन मेरे नयन भई तुम दर्शते, पावन पानी भई तुम चरणन परसते। पावन मन है गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गान ते। पावन बई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, में शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी धन धन ते। बड़ भागी भवितिन नीव शिव घर की धरी, वर चीर सागर आदि जल मण कुंभ भर भक्ति करी। बिघन सघन बन दान दान प्रचंड हो, मोय महातम दलन प्रबल मारतंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, जग बिजी जम राज नास ताको करो। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही, मोसो पतित नहीं और तुमसो पतित तार सुनो नहीं। चिंतामणि पारस कल्प तल एक भव सुख कार, तुम भक्ति नौका जे चढ़े ते भय भव दति पार। नमस्ते दिव्य ओ नमस्ते दिव्य ओ नमस्ते दिव्य श्री पीतरा गाय नमः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्विशाहुणं। चतारी मंगलं, हरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पर्णतो धम्मो मंगलं। चतारी लोग उत्तमा, हरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पढ़तो धम्मो लोग उत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरहते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पढ़तम धम्मं शरणं पवज्जामि। ॐ ह्रीं अनादि मूल मंत्र भो नमः, सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रशिक्षणा से दोषकलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमः, श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय, सर्व पर कृत शत्रु द्रोह विनाशनाय, सर्व क्षाम डमर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं 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 असिया उषा नमः, सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छ्रूं फट फट क्रीटिं क्रीटिं घात घात पर विघ्नान स्फुट स्फुट खंडान कुरु कुरु। पर मुद्रान छिंद छिंद, पर मंत्रान भिंद भिंद, छा छा रूम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हरिहंताणं, ह्रों सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आह्रां सी ह्रीं आह्रूं ऊह्रं साह्रा जगदापद विनाशनाय, श्री शांतिनाथाय नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्रातियार मंडिताय, अशोक तरु सत्रातियार शोभन पतपताय, हमला भूमिजाय सर्वतः शांतिकर नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वर पुष्प सृष्टि सत्रातियार मंडिताय, स्वर पुष्प सृष्टि सत्रातियार शोभन पतपताय, हमला भूमिजाय सर्वतः शांतिकर नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्रातियार मंडिताय, दिव्य ध्वनि सत्रातियार शोभन पतपताय, ममला भूमिजाय सर्वतः शांतिकर नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चांद्रोजन सत्रातियार मंडिताय, चांद्रोजन सत्रातियार शोभन पतपताय, रमला भूमिजाय सर्वतः शांतिकर नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्रातियार मंडिताय, सिंहासन सत्रातियार शोभन पतपताय, घमलर भूमिजाय सर्वतः शांतिकर नमः, सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय
आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की अनुकंपा से सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नैमावर में पंचवालती त्रिकाल चौबीसी
एवं मान स्तंभ सहस्कूट जिनालय का निर्माण कार्य सन 1996-97 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से चालू हुआ था। और जब मंदिर बनाना स्टार्ट हुआ था, जब प्लानिंग हुई थी, उस वक्त उस समय कल्पना नहीं थी हम लोगों की आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतना विशाल जिनालय बनने जा रहा है। और आचार्य श्री की अनुकंपा से आचार्य श्री ने जैसे जैसे विचार दिए, उसी के अनुसार आज जो पंचवालती मंदिर भारतवर्ष में एक ऐसा जहाँ से 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं, उस तपस्थली सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेवावर आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह नाम दिया गया था। और उसमें पंचवालती मंदिर जो है, उसमें जो तावे की मूर्तियां बनाई गई हैं अभी तक का, और त्रिकाल चौबीसी की जो 72 मूर्तियां एवं सहस्कूट जिनालय में 4 मूर्तियां जो तावे की अभी बनी हैं, जिनकी पंचकरण प्रतिष्ठा हुई है, ये अभी तक कहीं भी ऐसा देखने में तावे की मूर्तियां कहीं नहीं थी भारतवर्ष में, जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह कार्य हुआ है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये जो पाषाण के जिनालय समदल मंदिर भी भारतवर्ष में पुराना इतिहास था, जिसको आचार्य श्री ने बोला कि समदल का मंदिर बनाया जाए, इसके लिए हमारे वीरेंद्र त्रिवेदी आर्किटेक्ट अहमदाबाद वाले, जिन्होंने इस चंदू भाई के सुपुत्र हैं, इन्होंने इस जिनालय की प्लानिंग करी। और इस जिनालय में 151 फुट की पंचवालती मंदिर की शिखर, उसके आगे 67x67 का गुरु मंडप, जिसकी हाइट ऊंचाई लगभग 117 फुट, उसके आगे त्रिकाल चौबीसी में 24 जिनालय हैं, 24 जिनालय में 3-3 मूर्तियां भूत भविष्यत और वर्तमान की विराजमान हुई हैं। और उन जिनालयों में पंचवालती मंदिर के आगे जो सहस्कूट जिनालय, जो त्रिकाल चौबीसी जिनालय बना हुआ है, उसके आगे आचार्य श्री ने एक सहस्कूट जिनालय मान स्तंभ सहित, जिसमें 1008 मूर्तियां सहस्कूट जिनालय की एवं 16 मूर्तियां मान स्तंभ की, मान स्तंभ सहित सहस्कूट जिनालय हमारे दानदाता आचार्य श्री के आशीर्वाद से श्रीमान राजा भैया सूरत वालों ने, उन्होंने अपनी चंचल लक्ष्मी सिर्फ एक ही परिवार की ओर से यह सहस्कूट जिनालय बनने जा रहा है। और भारतवर्ष में यह जो जिनालय पंचवालती और त्रिकाल चौबीसी बन रहा है, उसमें पुराना जो इतिहास है, यहाँ 3 मूर्तियाँ आदिनाथ भगवान की जो नेमावर में विराजमान है, शांतिनाथ भगवान हरदा में विराजमान है, एवं मुनि सुरवतनाथ भगवान जो खाते गांव में विराजमान है, 199 लगभग 200 वर्ष पुरानी प्रतिमाएँ ये यहाँ मिली थी। उसके बाद एक पार्श्वनाथ जिनालय की मूर्ति यहाँ जो डैम ये वो पुल बना हुआ है, हरदा और नेमावर के बीच में जो पुल बना हुआ है नर्मदा नदी का, उसमें एक मूर्ति ये पार्श्वनाथ भगवान की मिली थी, जो हमारे पार्श्वनाथ जिनालय में विराजमान है। ये आचार्य श्री की अनुकंपा है कि इतने विशाल जिनालय जो हम लोग ने कभी भविष्य में कभी सोचे नहीं थे, आज उन जिनालयों को स्थापित करने का, जो आचार्य श्री ने हम सभी को कार्य करने का सौभाग्य दिया है। हम वैसे तो हमने इंजीनियरिंग किया हुआ था, और इंजीनियरिंग करने के बाद आज हमने त्याग किया कि हमें भाई गवर्नमेंट का काम सरकार का काम नहीं करना। और आज गुरुजी ने आज हमें 30 वर्ष के अंदर इस मंदिर की जहाँ जिस दिन से न्यू और जिस दिन से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास से कलशारोहण तक का काम कार्य कराने का सौभाग्य मिला है।